यार मोहब्बत से याद आया कि सलीम अल बेला साहब की भी एक मोहब्बत थी जो स्टोरी आपने सुनाई हुई है, इधर भी आज वाकया सुना दे। सलीम अल बेला साहब अगर इजाज़त देंगे तो मैं वो सुना दूंगा। लड़की की वालदा नाराज हो गई, बाद में फिर वो नाराज हो जाता है कि जी तुम शोज में जाते हो ऐसी बातें करते हो, इनसे इजाज़त लेते मैं कर देता हूँ। सुना दे, उनसे सारे लोगों को पता लग गया, उन कड़ी गल रहेगी, उनसे मेरे घर भी पता लग गया। सलीम साहब ना एक शोबिस से रिलेटेड एक लड़की थी, उससे सलीम साहब का हेलो आए हो गई। हाँ, एक ही फील्ड में काम करते थे। हेलो आए, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। हाँ, हेलो आए हो गई, तो वो हेलो आए यहाँ तक चली गई कि मौसूफ उससे शादी करने की हद तक चले गए। मैंने अपने बुजुर्ग भी भेजे थे, मैं कहा जाओ। मैं बुजुर्ग गया तो आगे उसकी माँ जो थी वो भी बुजुर्ग थी, तो मामला तो काम और तरफ चल पड़ा। बुजुर्गबाजी हो गई। तो मैंने उसे कहा, इससे मुझे कहा, मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब सी बात है। इसने कहा जी मैंने इसके साथ शादी करनी है, ये वो। तो एक दिन हीरो बनने की हमारे उसकी वालदा जो नहीं मानती थी, इसलिए क्योंकि जाहिर है वो फील्ड में काम करती थी, शो बीज में कमाती थी पैसे, तो उसका तो सारा बजट ही ख़राब हो जाता था। वो सोने की चिड़िया थी ना उसकी। तो वो बात चलते चलते जी एक दिन हमारे एक और आर्टिस्ट, हमारा स्ट्रगल दौर का साथी, वो एक ये एक ट्रायंगल था, नासिर चिनोटी, सलीम अल बेला। नासिर चिनोटी साहब के लिए तालियां, बहुत एक शानदार आर्टिस्ट है। और वो भे ये भी है कि वो हमारा एक स्ट्रगल दौर था, हम एक मकान जो किराए पे लिया था, वहाँ तीन रहते थे, तीन आगा, माजद, मैं और नासिर। घरों से निकाले हुए लोग थे ना, घर वाले ने निकाल दिया था कि अगर ये कुछ करना है तो चलो भागो यहाँ से। निकाल दिया घर से भी तीनों, एक 1500 रुपये महीने का घर था, 500 रुपया तीनों डाल के वहाँ रहते थे, खुद हांडी बनाते थे, खुद कपड़े धोते थे, खुद ही बनाते थे, ये सब कुछ करता, ये हमारी अम्मी थी। हाँ, मैं करता था, मुझे कुकिंग का शौक है, मैं करता था। तो वो जनाब नासिर ने एक दिन शरारत कर दी इसके साथ। उसने कहा जी आज तुम्हारा वक्त है, इसके सामने ना हीरो बन जाओ। अच्छा। उसने कहा जी ठीक है, क्या करना है? कह रहा माई के सामने डट जा, खड़ो जा माई के सामने कि मैं तेरी बेटी नाल प्यार करना, मैं शादी करनी, जैसे फिल्मों में होता करता पूरा होना। हाँ, खुल के कह दो आज। इसने जाके ना वो सेन में चारपाई बिछी थी, तो उस पर वो माई बैठी, तो उसको जाके कहता अम्मा जी तुसी पता नहीं क्यों मेरे नाल नाराज़ हो, मैं तुहाडा कभी दिल दुखाया कि तुसी मैनू मेरे नाल गुस्से हो, मैनू मारना चाहते हो? जमीन पर बैठ गया, कहता लो तुसी मैनू मार लो, तुसी अगर मैनू मार के खुश हो ना मार लो। वो माई के पास पड़ा था खुस्सा, उसने उठाया और 15-20 एक सांस में इसको मारे, त्रापड़। मैं देख रहा हूँ उसको रोक भी नहीं रहे, नासर मुझे कह रहा चुप कर, पैन दे। मैं इन्होंने कहा तुसी बेच नहीं आना, मामा मार दिया होंदिया। लेकिन उसने इसको मारे खुस्से। उसके बाद मेरी और माई की लड़ाई हो गई। वो मेरा दिमाग ऐसे गुस्से में आया, वो बोतल पड़ी थी सेवन अप की, मैंने यूं दीवार में मारी और वो टूट गई। माई ने कहा खबरदार ठंडी लिया है, गर्म है। आ गया के माई और पीछे पीछे मैं, ये मुझे पकड़ते फिरे के ये माई को मार, तेरा रिश्ता पक्का कैंसिल कराऊ। हाँ, बस वो ऐसे करके अच्छी खासी बस वो छितर ही पड़े, उसमें बचा सिर्फ वही था जो 5-7 छितर पड़े ना वही बचे। बस उसके बाद वो अपनी बेटी को लेके वो इंग्लैंड चले गए। फिर आप वापस इंग्लैंड तक गए थे? ना, फिर वो हम अपने काम में। आपके तो चक्कर लगे हैं, कभी मुलाकात हुई फिर? नहीं, बाद में नहीं मुलाकात हुई। नहीं, क्या पैगाम है इनके लिए कि जो मोहब्बतों में पड़ जाते हैं और इनको भी पढ़ सकते हैं हमारे लड़के, क्या पैगाम है इनके लिए? नहीं, मोहब्बत वही है जो माँ बाप आपकी शादी करता है अरेंजमेंट करके। आप मोहब्बत करते हैं, आप माँ बाप को बता दें कि मैं इस जगह पे शादी करना चाहता हूँ। कोई इसमें हमारे इस्लाम में भी है। हाँ हाँ, को जहाँ पे आपने भी तो उनकी अम्मी को ही बताया था। मैं अम्मी नूं दस्या, हुण अम्मी तुहानूं पता उन्हें खुस्सा खुला सी, उन्हें ला के कोल ही रखा होंदा। ये तो पढ़ती रहती है मैं तो भी सेर है, मैं तेरी ना गंजा होया, इन्हां दा भी वाकया है। सुनाओ इस साहब जो मेरे सिर दी हालत है, मैंने तो हर कदम ते मोहब्बत हुई होनी। भाईजान आगा साहब दा वाकया सुना दियो, कोई आगा साहब दा कोई वाकया। नहीं, आगा साहब की शादी हमारे हाथों में ही हुई है। हाथों में मतलब? मतलब हम इकट्ठे काम कर रहे थे, हमारा एक ड्रामा था वहाँ चल रहा था, तो इनकी जो लव मैरिज तो नहीं हुई, अरेंज मैरिज हुई है। इन्हें भी कुड़ी नूं नहीं सी वेखिया, तो कुड़ी ने भी नहीं सी इन्हां नूं देखिया। बेहतर हो गया। हाँ, जो पहली बारी आए ना तो घुंड चुके, तो वह कहती अंकल लड़का किधर है? कहना मरे मैं ही हाँ लड़का। उन्हें तो नहीं सी देखा, तुम तो मैंने देखा सी ना।
बस ऐसे ही हमारी लाइफ जो चलती है। आप लोगों ने माशाल्लाह ट्रैवल भी बहुत किया साथ, बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा फनी वाकया जो आज तक याद हो, इतने मुल्क फिरे आप लोग? और एक वाकया वाकई है, जब इंग्लैंड जा रहे थे वो जहाज में बैठे, इनको बेल्ट ही नहीं पूरी आ रही थी। मैं एयर होस्टल नूं मैं कह रसा कि रखे ही लिया, वो फिर बेचारी पिछों लिया कढ़ के, वो इंज करके तो बने फिर तड़ा गया। और इसको बेल्ट जो थी वो लूज थी, इसने यूं करके बेल्ट लगाई, मेरी आंख लगी थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो बेल्ट वैसे लगी, बीच में से निकल के बाथरूम चला गया। वाकया जो है ना जी, बाहर के बड़े फैन आपकी या? नहीं नहीं नहीं, बाहर के बड़े वाकया नासिर चिनोटी, मैं कनाडा, हम लोग टोरंटो में, टोरंटो ही चले गए, टोरंटो में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कैलगरी तक गया हूँ, वहाँ तो मनफी होता है वहाँ का सिस्टम। तो वो टोरंटो ना रात को, मैं और वो दोनों एक रूममेट थे, तो वो रात को जी मैं, वो वाटर बेड था, आपको पता है कि हम लोगों को तो आदत ही नहीं उसकी, मैं वो वाटर बेड पे, एक साइड एक बेड उसका एक मेरा, मैं उस पर लेट गया। मैं रात वो करवट लूँ और वो कितनी देर यूं करता रहे, वो बिचो छल्ला आउन ए थले वो वाटर बेड। मैंने दूसरे दिन उसे कहा, मैंने कहा भाई मैंने इस पर नहीं लेटना। दोनों बेडों के दरमियान में जगह थी, वहाँ मैंने मैट्रेस डाला, नीचे लेट गया। वो शरारती आदमी है नासिर चिनोटी, वो रात को कहीं उठा है, उसको भूख लगी है, तो माइक्रोवेव पड़ा हुआ है उसमें सालन गरम किया, वो फुल गरम सालन, मैं यूँ करवट लेके यूँ करके लेटा हुआ था, बिल्कुल मेरे करीब आके ना तो प्लेट छोड़ दी उसने, वो प्लेट छोड़ी है वो मेरे यहाँ आके पड़ी, उबलता हुआ सालन। वो 10 मिनट गुजरे होंगे, मैं जीनतमान बन गया। इन्हें रौला पाता मेरे सालन, सालन डोलता, पूरा होटल रोटियां लेके आ गया इहदे। वो मैं भागा भैया बाथरूम में से, वो पेस्ट लिए, वो निकाल के, वो मैंने चेहरे इस लेवल का शुगल कर देते थे कि बंदा ही सड़ गया। मैं कह, वो बड़ा ही इस मसले कटिया आदमी है। सालन दा की होया पाइन फिर? सालन फिर मैं की करता, मैं फिर चुकियां दो रोटियां खाता बह के, एंजी रोटियां माल माल के अंदर ही। नहीं नहीं, वो को खड़ा नहीं रहा, बोटियां छोटियां थले टेक पईयां। मैं कहूं रिस्क है, जाया तो नहीं ना करना, क्योंकि खान पीन दे ते शौकीन ने तो अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बनाउन दे भी शौकीन, खुश खुराक खाना बना, मजेदार की तुहानू डिश लगदी सब तो फेवरेट? खुश खुराक आदमी आ, करेले गोश्त, आए देसी घ्यो दा तड़का, मैं तैनू कहा सी ना ये अपने चो आ। किन्ने एंकरां दे नाल काम कीता, किसे ने एडी अच्छी हाय कही है? ना नहीं कही, जिहदी करेले गोश्त ते जान निकली है ना, ये अपने ही जी है। हाँ, अजे तो उहदे हत्थें सी, नहीं तो उहने ये भी कहना सी सुभान अल्लाह।